हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहारीज किचन। आज हम लोग बना रहे हैं सहजन का फूल का पकौड़ी। वो मैं किस तरीके से बनाती हूँ इसका रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये चना का दाल है जो मैंने फुला लिया है और धो के रख लिया है। साथ में लहसुन है, छील के रख लिया है, और मिर्च है। मिर्च आपको तीखा, आपको जैसा चाहिए उसके अनुसार ही लीजिएगा। उसके बाद ये फूल है जो इसको हम लोग चुन लेंगे अच्छी तरह से। लकड़ी, सूखा लकड़ी, चाहे सूखा फूल होगा चाहे कीड़ा हो रहा, उसको अच्छी तरह से हम देख लेंगे, छांट लेंगे, उसके बाद धो लेंगे। तो देखिए, मैंने दाल को पीस लिया है, फूल को अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम लोग इसको सब मिलाएंगे इसमें, और साथ में मैंने प्याज ले लिया है, 2 प्याज मैंने ले लिया। इसको बहुत ही पतला स्लाइस में काट लिए। हरी मिर्च आपको और डालने का मन है तो ऊपर से डाल सकते हैं, नहीं तो अवॉइड कर सकते हैं। हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें हम लोग नमक डालेंगे, और साथ में हम लोग इसमें हल्दी भी डाल लेंगे। ये हम लोग मिला लिए हैं, लेकिन कुछ का कमी लग रहा है। हमको लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ और भी मिलाना चाहिए। तो चलिए, थोड़ा सा गाजर को कद्दूकस कर लेते हैं, और थोड़ा सा गोभी को भी कद्दूकस करके मिला दे, तब तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, उसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो मैंने कद्दूकस कर लिया है गोभी को भी, और हम लोग सब मिला लेंगे। इसमें नमक डालने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सबका क्वान्टिटी ठीक है। अगर आपको लगता है तो आप डाल सकते हैं। तो उसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है गर्म होने के लिए, ताकि हम लोग बस इसको मिलाएं, और उसके बाद हम लोग छानना स्टार्ट कर दें। ये रेडी हो चुका है। अब हम चलिए फ्राई करते हैं। आपको जैसा शेप देना है आप उसमें शेप करके, जैसे कोई चपटा, कोई गोल, कोई टिक्की के अनुसार, जिसको जैसे मन करता है वैसे छानते हैं। बस इसको पकौड़ी पे बस डाल दीजिए, उसके गर्मा गर्म चाय बनाइए, साथ में एंजॉय करिए। बाहर बारिश हो रहा है तब तो क्या कहने, तो और अच्छी बात है। सहजन का फूल खाने में सच में बहुत टेस्टी है, लाभदायक है, खाना चाहिए। तो बहुत लोग बोलते हैं सहजन का फूल कैसे खाना चाहिए, कोई बहुत लोग भाप के खाते हैं, बहुत लोग डरते हैं कैसे नहीं कोई खा सकता है, ऐसे खाने में कुछ गड़बड़ है, तीखा लगे या कड़वापन लगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बस उसको अच्छी तरह से लाइए, चुन बुझ करके अच्छे से साफ़ कर लीजिए, और उसके बाद उसको वॉश करके आप अच्छा से डाल करके आराम से बना के खाइए, बहुत अच्छा बनता है। आप एक बार तो ट्राई ज़रूर करिएगा। तो ये बस बन ही गया है। और जो लोग मेरे चैनल को नए देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक ही सही कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। तो ये मेरा पकौड़ी बन के रेडी है। चलिए हम लोग खाते हैं, एंजॉय करते हैं। मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, चाय ज़रूर लेंगे।